राज्यसभा से नारी शक्ति बंधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित, लोकसभा ने बुधवार को इस विधेयक को किया था पारित। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में महिला कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को दी बधाई। राजद नेताओं ने कहा, अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण दिए बिना महिला सशक्तिकरण नहीं होगा पूरा। और मुंगेर पुलिस ने अवैध हथियार से जुड़े और तस्करी मामले में 7 लोगों को किया गिरफ्तार।